सिंगरौली के धौनी गांव के जंगल में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को उतारने से मना कर दिया और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद शव को पेड़ से उतारा जा सका। धौनी गांव के जंगल में 55 वर्षीय व्यक्ति की पेड़ से लटकी हुई लाश मिलने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद बरका चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेने का प्रयास करने लगी, लेकिन परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए लाश को फंदे से उतारने से मना कर दिया और सीधी सिंगरौली मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया व सड़कों पर लंबा जाम लग गया। इसकी जानकारी लगते ही देवसर SDOP आशुतोष द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंचे और जाम हटवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक व्यक्ति है छोटेला लगरिया करके, उनकी डेड बॉडी पेड़ से लटकती हुई मिली। इसमें परिवारजनों को संदेह था कि इसकी हत्या करके इसको ऐसे पेड़ पर हैंगिंग कर दी गई है। उक्त संबंध में इनकी कुछ मांगे थी और संदेह था, तो मौके पर मैं थाना प्रभारी सराई और चौकी प्रभारी निवास निगरी और बरका को बुलाया गया। पूरा स्पॉट चेकिंग की गई, परिवार वालों को पूरी समझाइश दी गई। परिवार वाले संतुष्ट होने के पश्चात हमने डेड बॉडी उतारी। परिवार वालों के समक्ष हमने सौपंचनामा बनाया, डेड बॉडी पोस्टमार्टम किया। दो लाश दब गया है, ये तीसरा है, तो इसको खोज ढूंढ कर मुलजिम पकड़ना जरूरी चाहिए। हमको पता ही चाहिए। हमको 5 बजे जानकारी मिला, 7 बजे सुबह निकला है वो मैदान करके, कांतिहारपुर करके निकला है। बाकी फिर वो अच्छा, ये घर से कल निकले थे? हाँ, कल निकले थे। तो पुलिस कब पहुंची यहाँ? पुलिस पहुंचा है 5 बजे आज। कल चले गए। इसका खोजी करने के वर है सर, कि कैसे कैसे मार गया, कैसे मार ढाले, इतना दिन दो तीन तीन चार चार लाश हो गया और ये लहासन कोई पता नहीं लगता है, ना कोई केस हो रहा है, इसका पता करने किसको लहास नहीं उतारने के लिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।